वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 और आपने सॉल्व किया होगा। मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन उसका दे रहा हूँ, आप चेक करेंगे इसको देख करके आपने सही किया या नहीं किया। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम ऑनलाइन क्लास में, जूम क्लास में आप मुझसे डिस्कस बताएंगे तो हम फिर डिस्कस कर देंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हमने वही क्वेश्चन आपको दिए हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है बेटा, एंड दिस इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 2π अपॉन ओमेगा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी होता है। दोनों को अगर दोनों टाइम पीरियड का ही फार्मूला है बेटा, दोनों को अगर हम इक्वेट कर लें तो दिस इज 2π अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू, सो दिस इज 2π इंटू दिस इज न्यू। अच्छा यहाँ पे एफ से डिनोट किया है तो इसको हम 2π इंटू एफ भी लिख सकते हैं। हम न्यू को हम किससे डिनोट कर दिए, एफ से। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π एफ हो गया बेटा। सो सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगर क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है विच इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में इट्स मोशन इज अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो करेक्ट है। बी में है इट्स अ स्पीड चेंज विद टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज कैसे करेगा बेटा, नहीं करेगा वो। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सी में है इट्स एक्सेलेशन जीरो, यस करेक्ट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलेशन इज इक्वल टू dv / dt जीरो होगा बेटा। डी में है इट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज लिनियरली विद टाइम, तो यस डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा बी पार्ट होगा। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर जो 12 का होगा बेटा वो बी हो जाएगा। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी इज वी। द इक्वेशन वी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी को पता है काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। द वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, द ग्राफ शैल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो सभी को पता है बेटा ये ग्राफ होता है इसका, दिस इज टाइम टी इधर होता है, वेलोसिटी वी इधर होता है और यहाँ पे इसको कट करता है, ये जो होता है दिस इज नॉन एज इंटरसेप्ट जो यू के बराबर होता है यहाँ पे। तो क्या पूछा है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, नो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। विथ एक्स इंटरसेप्ट यू, नो। विथ स्लोप यू, नहीं। स्लोप जो होता है बेटा वो आपका यहाँ पे एम हो जाएगा। और विथ इंटरसेप्ट विथ वाई इंटरसेप्ट यू, यस दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। जो सी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, यू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इनर्शिया। तो इनर्शिया जो होता है बेटा डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो एन एटम, ए 1 rupees कॉइन, ए मॉलिक्यूल, ए क्रिकेट बॉल, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, क्रिकेट बॉल का। तो 14 में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इनर्शिया होगा बेटा वो किसका होगा, क्रिकेट बॉल का, क्योंकि इनर्शिया जो होता है बेटा डायरेक्टली मास से रिलेटेड होता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, क्रिकेट बॉल का, तो इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बेटा, ए थिन डिस्क एंड ए थिन रिंग बोथ हैव मास एम एंड रेडियस आर, बोथ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड आर परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा जो रिंग होता है, जो डिस्क होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, और जो रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का। और जो आपका
काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोला है, सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो किसका मास और रेडियस तो दोनों का सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, रिंग का, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, रिंग का। सो 15 का ए पार्ट, द रिंग हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी, जो रिंग होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस इट कवर्स, जो डिस्टेंस कवर करेगा बेटा इन दैट टाइम डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम, लिनियरली तो होगा नहीं बेटा, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से भी मतलब उसको नहीं है डिस्टेंस को, और इंक्रीजे लिनियरली नहीं, लिनियरली तो इंक्रीज करेगा नहीं बेटा, ठीक है, तो इस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो 16 का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगर 17 क्वेश्चन को हम देखें तो ए सॉलिड डिस्क एंड ए सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास एंड सेम इनर्शिया, विच वन हैज़ द हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखें बेटा, तो सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क जो होता है उसका 2/3 mr² होता है, और सॉलिड स्फीयर का जो होता है 2/5 mr² होता है, डायमीटर के अबाउट, तो वही सेंटर ऑफ मास वहीं उसके सेंटर पे होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो उसके अबाउट इसका हो जाता है 2/3 mr² डिस्क का, 2/3 mr² मास और रेडियस सेम ही है बेटा, एंड इसका हो जाता है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का, तो ये कितना हो जाएगा 0.66 के करीब आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.4 5/20 mr² के बराबर। कौन ज़्यादा है बेटा, डिस्क का जो है वो ज़्यादा है, तो सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास एंड सेम रेडियस, Which one has the higher moment of inertia about its center of mass? So disk. इसका आंसर क्या होगा बेटा, disk. Next question number 18. Question number 18 में क्या कह रहा है बेटा? Question number 18 में कहा है कि car starts from Bengaluru, goes 50 km in a straight line towards south. ठीक है, 50 km towards south गया. Immediately turns around and returned to Bangalore. अच्छा, Bangalore फिर से return हो गया. The time taken for this round trip is 2 hours. The magnitude is average velocity. So what is average velocity? So average velocity is equal to beta total displacement upon total time taken. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्यों, क्योंकि बेंगलुरु से चला और फिर बेंगलुरु को ही आ गया बेटा, बेंगलुरु से चला और बेंगलुरु आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, टाइम कितना भी लिख लो, 2 hours हो या 10 hours हो, क्या मतलब है उससे, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 इज द करेक्ट आंसर। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0, हाँ एवरेज डिस्टेंस, अगर एवरेज स्पीड पूछता तो फिर 0 नहीं होता बेटा, क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता, और वहाँ पे हमें डिस्टेंस पता होता कि जाने में कितना लगा, आने में कितना में लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यहाँ पे, 100 gram sphere is moving at a speed of 20 m/s and collides with another sphere of mass 50 gram. If the second sphere was at rest prior to the collision and the first sphere comes to rest after immediately the collision, the considering the collision to be elastic, the speed of the second sphere would be कितना होगा second sphere का speed? तो बेटा देखो यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया, ये 100 ग्राम का एक स्फीयर था जिसका स्पीड था 20 m/s, कोलाइड किया उसने 50 ग्राम के स्फीयर से जो रेस्ट में था, कोलिजन के बाद क्या हुआ बेटा, कोलिजन के बाद हुआ क्या कि 100 ग्राम का जो स्फीयर है वो रेस्ट में आ गया और जो 50 ग्राम का स्फीयर था वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मतलब बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया, सो दिस इज कॉल्ड अच्छा ग्राम में ही रहने देते हैं मास को, 100 into 20 plus 50 into कितना 0,
आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, तो 100 वाला किस में आ गया, रेस्ट में, मतलब 0 एंड 50 इंटू कितना हो गया वी। सो दिस इजकल टू 100 इंटू 20 इजकल टू 50 इंटू कितना वी। सो वी इजकल टू कितना 100 इंटू 20 अपॉन कितना 50, तो 50 दुनी 100, दिस इज 20 इंटू जा, सो दिस इज 40 मीटर कितना हो गया पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। What is the nature of velocity time graph for a car moving with uniform acceleration? जब बेटा acceleration uniform है, मतलब acceleration क्या है, constant, ठीक है, तो acceleration constant कब होता है, acceleration constant है इसका, ठीक है, uniform acceleration का मतलब है अगर acceleration constant हो गया तो velocity is equal to, अच्छा आपको graph किसका पूछा है, velocity time का graph पूछा है, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कितना हो जाएगा, सो दिस इज वी एस वी स्क्वायर टू कितना होता है, दिस इज यू प्लस ए टी, ठीक है। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर टू यू प्लस ए टी होता है, और इसका ग्राफ सभी ने पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स का, इधर वेलोसिटी है बेटा, इधर टाइम है, और इसका ग्राफ इस तरह के होता है। सो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, Which one of the following statement about speed and velocity is correct? कौन सा speed और velocity के लिए correct है? A speed and velocity both are vector quantity, गलत, ठीक है। A speed and velocity both are a scalar quantity, गलत। इसके बाद speed is a scalar quantity, गलत। A speed is scalar नहीं बेटा, A speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, so D part is the correct answer बेटा। So जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 21, ये सारा हमने आपको सॉल्व करके बता दिया बेटा। अभी भी आपको कोई अगर डाउट होता है तो आपको जून क्लास में मुझसे पूछेंगे, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आया, फिर वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे बेटा।